या अली मदद। अलवाइज राय अबू अली मिशनरी वाइज नंबर 470 रिकॉर्डेड बाय मेहंदी मोमिन। 5th ऑफ नवंबर ईयर 2000 माय वाइज इन बैतुल ख्याल इन द मॉर्निंग मैं जमात का नवाब दनास। अब तू सब अवगुण तजो त्रिवेणी नावो अने अने हद नाद बजावो कहे पीर शमश जीव तमरिये तो अवरत जन्म ना पावो अब तू अवरत जन्म ना पावो ए जोगी जुग माहे जागे मन दूजा नहीं अब तू ते जोगी जुग माहे इस्माइली मजहब जो इस्लाम में है उसका जो एसेंस और मग़्ज़ है तो वो ये सुबह की इबादत है। हमारे पीरों ने अपने इमामों के हुक्म से मजहब की जो इशायत की तो वो मजहब था कि जो रसूल अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें सिखाया। मैंने अपनी वाज़ों में इस चीज का जिक्र किया हुआ है कि जब हुजूर ने नमाजें रोजे जो शरीयत के कामकाज से सब लोगों को सिखाए नबी की हयाती में अरबस्तान में 500,000 से ज्यादा मुसलमान हो चुके थे। खुद मदीने के अंदर लगभग 2-2.5 लाख की बस्ती थी उस वक्त, लेकिन जो आम मुसलमान थे वो अरब थे कि जो जंगलों में ऊंटों के साथ रहते थे। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में एक इशारा किया कि ऐ मोहम्मद इन अरबों को कह दो तुमने इस्लाम को कबूल किया है लेकिन ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में उतरा नहीं। इस्लाम कबूल कर लेना ये कोई ईमान की चीज नहीं है। इस बात की तख़सीस कुरान पाक ने बहुत जगहों के ऊपर फरमाई है। मजहब की बात ऐसी है कि अगर इंसान बैठ के ख्याल करे तो उस परवरदिगार को जिसने उसे पैदा किया है और सारा जहान उसने पैदा किया है उसके मुतालिक सोच विचार करना इबादत और ईमान की निशानी है। हुजूर के पास लाके लोग पूछते थे या नबी कि हमने 5 नमाजें पढ़ी रोजे रखे आपने जैसा फरमाया हमने किया हज भी किया क्या इससे ज्यादा भी कुछ है? तो हुजूर कहते थे हाँ इससे ज्यादा कुछ है। क्या है या नबी? तो फरमाते थे आधी रात को उठो और खुदा को याद करो उसका ख्याल करो कि वो कौन है कैसा है क्या है। तो उस वक्त ही ऐसे लोग थे कि जैसे सुलेमान फारसी जैसे अबू ज़र गफारी थे अम्मार बिन यासर थे ससा बिन सुहान थे फता कंबर थे ऐसे 40 लोग थे।
ये 40 लोग आज रात को अंधेरे में, उस जमाने में ये बत्तियां और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, आधी रात को ये उठ के किनारे में बैठ के, कोने में बैठ के खुदा का ध्यान लगाया करते थे। मुसलमान इस चीज को भूल चुके हैं। कुछ ऐसे सूफी फिरके जरूर हैं, सुनियों में भी शियों में भी, कि जिनके अंदर खुदा की मोहब्बत और खुदा के मुताले की याद करने के लिए, उसके इश्क में अपने आप को मशहूर करने के लिए ऐसी जिंदगी गुजारते हैं कि जिसको हम आमतौर पर सूफियाना जिंदगी गुजारते हैं। हमारे गिनानों के अंदर जहां जहां अब्दू या जोगी का नाम आया है तो उसका मतलब है सूफी लोग। 60 गिनान ऐसे हैं कि जिसके अंदर हमारे सैयद इमाम शाह ने, जो पिस असद कबीर दिन के फर्जंद थे, उन्होंने ऐसे 60 गिनान लिखे हैं जिसको हम जोगीसर के गिनान कहते हैं। ये जोगीसर के गिनान सूफीज्म है और इन गिनानों के अंदर 84 किस्म की बैचक करने की पोजीशन का सैयद इमाम शाह ने जिक्र किया है। 84 आसन। अभी आप जिस तरह से बैठे हुए हैं ये एक आसन है, लेकिन कुछ लोग पांव इस तरह से करके बैठते हैं, ये भी एक आसन है। दो पांव ऊपर नीचे रख के ऐसा बैठना, ये एक आसन है। इस तरह से हमारे इस तरीके के अंदर इबादत के वक्त किस तरह बैठना, इसको आसन कहा गया। और ये जो आसन है बहुत जरूरी चीज है। हमारे इस तरीके के अंदर इतनी बहुत गहरी और आला दर्जे की चीजें हैं, सत्र चीजें हैं, लतीफ चीजें हैं, कि जो आमतौर पर लोगों को मालूम नहीं है। और चंद लोग ऐसे हैं कि जो इन चीजों के अंदर दिलचस्पी लेते हैं। अच्छा हुआ आज मैंने ये सुबह की वाज कबूल की, ताकि मैं वो चीजें जो अल्लाह ने, जो अपने परवरदिगार की रहमत से मुझे मिली हैं, मैं जमातों के अंदर छोड़ जाऊं। हर इंसान को खुदा कुछ न कुछ बख्शीश देता है। इन आसनों का जिक्र करते हुए कि हमको सुबह इबादत में किस तरह बैठना चाहिए, मैं आपको थोड़ी सी और हकीकत बयान करना चाहता हूं। ऐ मोमिनों, हमारे बदन के अंदर खून की नालियां हैं, जिसको हम इंग्लिश में आर्टरीज या वेन्स कहते हैं। बाज ऐसी नालियां हैं, शरियाने, कि जिसमें खून हमारे सारे बदन में घूमता है, फिर सारे बदन में घूम के ये खून वापस आता है, लेकिन दूसरे रास्ते से वापस आता है और हमारा जो हार्ट है उसको पंप करके हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर खून आता है, और हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन से ये खून साफ हो जाता है। जब ये खून गंदा होता है तो ब्लूश कलर का होता है, नीला रंग होता है, और जब ऑक्सीजन से खून साफ हो जाता है तो वो लाल गहरा रंग होता है। जिस तरह से ये खून अपनी नालियों में जाता है और आता है, ऐसे ही हमारे बदन के अंदर पांव के अंगूठे से ऊपर एक इस किस्म की और भी चीज है कि जिसको हम गैशियस मैटर कहते हैं। मैं उसका नाम समझाने के लिए ईथर कहता हूं। तो हमारे बदन के अंदर ऐसी जगह भी हैं, वो नस नालियां नहीं हैं, लेकिन रास्ते बने हुए हैं, ये ईथरिक कैनाल्स हैं।
हमारे सारे बदन के अंदर ये इथरिक केनाल्स निकलती हैं, लेकिन हमारी ये जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, इस कॉर्ड के नीचे कमर के करीब हमारी नाफ, पेट पे जो नाफ है इसके बिल्कुल ऑपोजिट कोई एक बड़ा सुआ लेके हम नाफ में मारे और पीछे से जहां निकले वहां एक किस्म का जंक्शन है जो गुलाब के फूल की तरह है। वो लोग के जिन्होंने थोड़ी बहुत मेडिसिन पढ़ी है उनको इन चीजों का थोड़ा पता है, मैं याद करा रहा हूं कि ये जो पीछे फूल है फूल की तरह है और फूल बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ मुंह नहीं। इसको कहते हैं सोलर प्लेक्सस। ये वो जगह है कि जिसका जिक्र हमारे पीरों ने गिनानों में किया है और गिनानों के अंदर इस किस्म के इशारे समझने के लिए गुरु की जरूरत है, उस्ताद के बगैर समझ नहीं आती। एक दिन फिर अपने शम्स माँ बाप वो जो ब्रह्म प्रकाश है उसके अंदर इसके इशारे किए हैं। एक दिन ऐसा चंबा भया सहजे ध्यान ना भी सो गया। एक दिन ऐसा हुआ इबादत में, फिर कहते हैं कि खुद ब खुद मेरा ध्यान मेरी नाफ में नाभि में चला गया। लेकिन ये नाभि जो हमारे पेट पे है ये नहीं, वो नाभि पीछे है और वो नाभि सेंटर है हमारे बदन के अंदर नर्वस सिस्टम को फैलाने का। माँ के पेट में एक बार नाली थी, डबल नाली थी जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में। ये माँ के रहम के साथ लगा हुआ और हमारे पेट की इस जगह के ऊपर अंदर से गुजर के इस सोलर प्लेक्सस के ऊपर यानी नाभि पे इकट्ठा होता है। ये जो माँ के पेट से हमारे पेट तक यानी माँ के रहम से हमारे पेट तक ये जो दो नालियां जाती हैं, इसमें बिल्कुल ऐसा ही कि जैसे हमारे गले के अंदर दो नालियां हैं, एक अंदर है एक बाहर है। जो अंदर की नाली है उसमें से सांस जाती है और जो बाहर की नाली है उसमें से फूड जाती है, खाना पीना नरिशमेंट जाती है। माँ जो खाती है खुदा ताला ने ऐसा इंतजाम किया है कि उसका खाना हजम होके और वो बच्चे को इस नाल की मार्फत पेट में जाता है और अंदर जाके जो फूड की खाने पीने की नाली है वो अलग होके मेदे में जाती है कि जहां उसको खाना हजम हो, और वो जो दूसरी नाली अंदर की है कि जिसमें से सांस जाता है वो इस सोलर प्लेक्सस में से होके हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर जाके हमारे ब्रेन में पहुंचती है। ये चीजें समझाने की पीरों को जरूरत क्या थी, वो जरूरत थी इबादत में ध्यान लगाने के लिए। इन चीजों की हमें जरूरत है और हमें इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। माँ के फेफड़ों में से निकली हुई ऑक्सीजन इस अम्बिलिकल कॉर्ड में से निकल के रीढ़ की हड्डी से हमारे ब्रेन में पहुंचे और वहां उसको नरिशमेंट मिले और आदमी बड़ा हो गए यानी पलसा हो गए। जब हम बाहर आते हैं तो ये बाहर का सिलसिला बंद हो गया, अब बच्चा जवान हुआ। वो लोग के जो योग में जाते हैं यानी सूफी मस्जिद में आते हैं और इबादत की प्रैक्टिस करते हैं, अब ये है कि हम आंख बंद करके हम खुदा का कोई नाम जिसको हम इसमें आजम कहते हैं हम उसको याद करते हैं और अपने तसव्वुर में उसका नक्श बनाते हैं। जैसे कि हजरत इमाम की फोटो को देख के फिर आंख बंद करो तो वो फोटो अभी तक हमारे सामने है,
पुराने जमाने के अंदर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार के जमाने तक और 74 तक हजर इमाम के जमाने तक 57 से 74 तक यानी तकरीबन 17 साल मौला जब भी कोई चिट्ठी बदलाते थे तो नक्श भी देते थे, लेकिन 74 में की गाड़ी में मौला ने फरमान किया मैं आज के बाद नक्श देना बंद करता हूं। उसके बाद नक्श बंद हो गया। यह हमारी कम नसीबी है। तो मैं नक्श की बात इसलिए करता था कि अल्लाह का हम नाम लिखते हैं, मिसाल के तौर पे हमने लिखा रे बे रब। रब को हम अपनी जबान में, हमारे यहां तो अरबी है ना, तो पुराने पीरों के जमाने के अंदर उसको संस्कृत में लिखते थे रब, या जो कुछ भी पीर माँ बाप नक्श देते थे पीर शाह। हमारे ज्ञानों के अंदर हुक्म है कि तुम पीर शाह का जवाब करो, लेकिन पीर शाह का जवाब है ठीक है, मोहम्मद और अली का नाम है, लेकिन ये पीर शाह बताने के लिए इसमें आजम का जवाब करो। पीर शब्द दिया करते थे, सत शब्द है गुरु हमारा, मेरा जो गुरु है जो मुझे खुदा तक पहुंचाएगा वो ये शब्द है इसमें आजम, ताको लेखे ना ये संसारा। ये दुनिया जो है वो उसको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देते, समझते नहीं कि ये क्या है। तो फिर फरमा के एक दिन ऐसा हुआ खुद ब खुद इबादत में मेरा ध्यान मेरी नाभि में गया, और फिर क्या हुआ, जैसे ही मैंने मौला को याद किया नाम लेता भया प्रेम प्रकाश तब उपजया मन विश्वास। जब मेरा ध्यान नाभि में गया और जब मैंने नाम लिया तो एक स्विच ऑन हो गया, जैसे ही मैंने नाम लिया प्रकाश हो गया, चारों तरफ रोशनी हो गई। ये रोशनी नूर है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कंसंट्रेशन हो गई। जब ये कंसंट्रेशन हो गई यानी ध्यान लग जाता है तो दिनदारो, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं एक ध्यान किस तरह लगता है। ध्यान लग जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो सही तरीके से हमारा रास्ता ले लें तो वो भी ऐसा मुश्किल नहीं। तो मैं आपको वो समझा रहा था कि जिस तरह हमारे बदन के अंदर लहू की नालियां हैं, ऐसा ही अंदर ऐसे पैसेजेस हैं कि जहां से ईथर का आना जाना है। ये जो ईथर एक कैनाल्स है, ईथर एक गैस है, जैसे कि ऑक्सीजन। हमारे बदन के अंदर ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ईथर भी है, और भी बहुत सी किस्म की गैसेस हैं। पिसदरीन महबब कहते हैं जो खुदा ताला ने सारे यूनिवर्स में बनाया, जो ब्रह्मांड है सो पिंड है, हर शय हमारे अंदर है, सूरज भी है चांद भी है स्टार्स भी हैं, सात आसमान भी हमारे अंदर हैं, सात जमीनें भी हैं, और अंदर समुद्र है। पीर के कहने के हिसाब से 999 नदियां यानी 999 रिवर्स एंड कैनाल्स हमारे अंदर हैं। और जब हम इबादत करते हैं जिस तरह हम दुनिया की सैर करते हैं दीदारो, अगर हम इबादत करते हैं हम अपने अंदर चले जाएं, ओहो हमारे अंदर तो सारा यूनिवर्स है, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, 999 दरिया नदियां हैं, समुंदर हैं, चांद है, सूरज है। एक चावल का दाना उसको काटो तो आधा हो जाता है ना,
ये आधा चावल का दाना इस साइज का चिप कंप्यूटर में है। कंप्यूटर के अंदर जो चिप है चावल के आधे दाने जितनी साइज है, और उस चिप के अंदर आप जो कंप्यूटर जानते हैं तो आपको पता होगा कैसी किसी कमाल है, एक आधे दाने जितनी साइज और उसके अंदर इतना बहुत इल्म और स्टोरेज। ये एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे अंदर, आप ऐसा मत समझना कि हम छोटे से हैं और ये सारा ब्रह्मांड, सारी कायनात, खुदा की सारी जितनी भी खलकत है, मखलूकात है, क्रिएशन है, वो सब हमारे अंदर। हां दीनदारो, वो हमारे अंदर है। अंदर बादल भी आते हैं, बारिश भी होती है। इबादत के जब ये ट्रेवलिंग इबादत में की जाती है, आप बाहर निकले हो घूमने के लिए, तो आपको कैसे कैसे सीन सीनरी नजर आते हैं। हमारे अंदर वो चीजें हैं जैसे अभी मैंने आपको अर्ज किया, सात आसमान हैं, सात जमीनें हैं, तो हमारे अंदर और क्या कुछ नहीं होगा। अरे खुद परवरदिगार हमारे अंदर बैठा हुआ है। जिस तरह से सात जमीनें और सात आसमान तबकात के हिसाब से हैं, लेकिन इसके अलावा तीन आसमान और हैं, मगर उन तीन आसमानों की जमीन नहीं है। आसमान कहते हैं किसी ऊंची जगह को, आसमान कोई हद या लिमिट नहीं है, ऊंची जगह है, खुला है, बिल्कुल वैक्यूम है, कोई पता ही नहीं कि कहां जाके खत्म होगा। अंदर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बैठे हैं और क्लास चल रही है। मौलाना इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि हर जुमे की दोपहर की नमाज के बाद क्लास चलाया करते थे, और कभी कभी सुबह की नमाज के बाद बैठ जाते थे और सीरियस लोग आके हुजूर से सवाल किया करते थे। मौलाना इमाम जाफर सादिक अपनी उंगली की तरफ, आंख की तरफ उंगली का इशारा करते हैं कि तुम्हें पता है कि हमारी आंख के अंदर छोटा सा सुराख है और इसके इर्द गिर्द ये काला हल्का है, लेकिन आंख खोल के देखते हो तो जो कुछ भी सामने है हमें सब नजर आता है, आंख में समा जाता है। इस पे से तुम्हें पता नहीं लगता कि खुदा इंसान के दिल में समा जाता है, क्योंकि हुजूर ये कह रहे थे कि खुदा इंसान के, खासतौर पर जिसको हम मोमिन कहते हैं, उसके दिल में समा जाता है। तो लोग कहते थे या हजरत, इतना बड़ा खुदा कि 18,000 जो आलिम हैं, यानी कि यूनिवर्सेस हैं, इतनी बड़ी क्रिएशन, वो आदमी के दिल में कैसे समा जावे। तो हुजूर ने आंख की तरफ इशारा करके फरमाया कि देख, ये सब पहाड़ वगैरह, इतनी सारी चीजें आसमान तक की आंख में समा गई ना। गुफ्त पैगंबर, ये रूमी का एक शेर है, गुफ्त पैगंबर के हक फरमूदयस मन गंजुम दरमिया बाला वस दर दिले मोमन बगंजुम ई अजब गर्म रखा ही अल्लाह दिल का तलब। पैगंबर ने फरमाया, रसूल पाक ने, गुफ्त पैगंबर के हक फरमूदास खुदा ने मेरे को कहा है कि मैं इतना बड़ा हूं कि बालाई यानी ऊंचाई और पस्ती में मैं कहीं समा नहीं सकता। और सच बात है, खुदा अंदर इमाम फरमाते हैं कि तुम एक यूनिवर्स या दो यूनिवर्स या 2,000 यूनिवर्स का ख्याल करो तो भी खुदा इससे बड़ा है, और हकीकत है खुदा बहुत बड़ा है। पैगंबर ने फरमाया, मुझे खुदा ने कहा, अय मोहम्मद, मैं ऊपर नीचे कहीं समा नहीं सकता, लेकिन एक अजब चीज यह है कि मोमन के दिल में समा जाता हूं, और अगर तू मुझे मिलना चाहता है तो मोमन के दिल में मुझे ढूंढ। ये बात जो मैंने आपको कही तो इसके ऊपर ही चल रहा हूं, आपको बीच में बातें बताता हूं समझने के लिए। तो हमारे अंदर जो
ایتھرک کینالز ہیں، ایتھر کے آنے جانے کی جو چیزیں ہیں، یہ ایتھرک کینالز ہمارا پانچواں ایلیمنٹ ہے ہماری زندگی کا. ہمارے بدن کے اندر آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، اور پانچویں چیز یہ ایتھر ہے، یہ ایلیمنٹ ہے. یہ جو ایتھرک کینالز جب ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص طور پہ بیٹھک کرتے ہیں، تو جس طرح سے لہو کا آنا جانا بعض دفعہ بند ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ایتھر کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ سمجھانے کے لیے بیٹھک کے طریقے کی بات کر رہا ہوں. بعض دفعہ ہم اس طرح سے بیٹھتے ہیں کہ تھوڑے وقت کے بعد پاؤں سن ہو جاتے ہیں اور بلڈ کا آنا جانا سرکولیشن بند ہو جاتا ہے. جب یہ سرکولیشن بند ہو جاتا ہے تو برین میں اس کا پریشر پہنچتا ہے، آدمی کا دھیان نہیں لگتا. اسی طرح سے بیٹھک کرنے سے یہ جو ایتھرک کینالز ہیں، جیسے میں نے کہا پاؤں کے انگوٹھے سے بلکہ ہر انگلی سے یہ ایتھر کی نہر شروع ہوتی ہے، وہ بھی اگر بند ہو گئی تو بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے اور ہم دھیان نہیں لگا سکتے. تو ہم کو پیروں نے 84 اس قسم کے 84 آسن بیٹھنے کی پوزیشن بتائی ہے. ہم سب کے سب تو جان بھی نہیں سکتے اور کرنا بھی مشکل ہے، اس کے لیے تو یوگ ابھیاس کرنا چاہیے جو آج کے زمانے کے اندر پاسیبل نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت وقت چاہیے، کم از کم 6 گھنٹے روز چاہیے. کالا روڑا کرتے تھے، روز 6 گھنٹے ویسا کرتے تھے، سمادھی لگاتے تھے. کنواں تھا ان کے گھر کے پیچھے، اس کنویں کے اوپر ایک پلینک رکھ دیتے تھے، لکڑی کا تختہ رکھ کے، اور اس پہ بیٹھ جایا کرتے تھے کہ ذرا ایسا ہوئے تو نیچے کنویں میں گر جائے. کالا روڑا ایک ایسے یوگی تھے کہ جسے گنانوں کے اندر یوگ کا ذکر کیا ہوا ہے، مگر اس کے لیے آج ہمارے لیے پاسبلٹی نہیں ہے، سوا کے جو مالدار آدمی ہے اس کے پاس کھانے پینے کا بہت ہے، کمانے کی فکر نہیں. ایسا کوئی شخص اس کو یہ شوق لگ جاوے تو کام دھندا چھوڑ کے تو وہ جو عبادت میں بیٹھے 4-6 گھنٹے روز عبادت کر سکے اس کا یہ کام ہے. مگر عام طور پہ جو ہم کو کرنا ہے، میں وہ آسان چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن آسان چیزوں سے ہم کو فائدے ہو سکتے ہیں، ہمیں خوشی مل سکتی ہے. تو دن درو آپ اس طرح سے بیٹھو. پیر سن کبیر جی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ نندرا جیتو آسن جیتو، یعنی بیٹھک کو جیتو، مطلب کہ کنٹرول کرو، نیند کو کنٹرول کرو تو کردار کرے سو ہوئی. ہماری نیند ہمیں تکلیف نہ دے اور بیٹھک تکلیف نہ دے. ہر آدمی کے بدن کی حالت جدی ہے. آپ روز عبادت پہ بیٹھ کے، خود 10 منٹ تک بیٹھ کے آپ ڈھونڈ لو کہ میرے لیے کون سا آسن ایزی ہے کہ مجھے پاؤں میں سرکولیشن بند نہ ہوئے، میرا پاؤں بھاری نہ ہو جاوے. ہر آدمی کو خود کو یہ ڈھونڈنا چاہیے. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بیٹھک کے لیے ایزی چیزیں، جس طرح ہم عام طور پہ بیٹھ رہے کراس لیگ دے، دوسرا آسن یہ ہے کہ نیچے ایک پاؤں اور اوپر ایک پاؤں اس طرح سے رکھ دے. ایک اور بہت مشکل آسن ہے لیکن اس کو کنگ آسن کہتے ہیں، وہ آسن بہت مشکل ہے، دونوں پاؤں کی تلے اونچے آ جانے. یہ جو آسن ہے یوگی لوگ کرتے ہیں، اور اس آسن میں تمام بدن کی جتنے بھی سسٹم ہیں بالکل ٹھیک رہتا ہے، یعنی دونوں پاؤں کے تلوے اوپر آ جانے. کالا روڑا یہ آسن بتایا کرتے تھے. میں آپ کو ان آسنوں میں جانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جو گنانوں کے اندر ہمیں بتائی گئی. تو اب ہم کیا کریں؟ مولانا سلطان محمد شاہ کے فرمان میں ہے، کالا روڑا تیرے جیسا آدمی 1000 برس میں ایک ہوتا ہے. کالا روڑا کے لیے اس سلطان محمد شاہ فرمایا
कि तेरे जैसा आदमी हजार वर्ष में एक होता है, तेरी जैसी मुश्किल बातें लोगों की ताकत नहीं है कर सके। अब तो यह है कि मौला फरमाते हैं अभी लिफ्ट है यानी एलिवेटर है, सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो अब सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने अब तक आपको जो बताया वो सीढ़ियां बताई है। तो एलिवेटर क्या है? पक्का यकीन, पक्का यकीन, कामिल अकीदा हजर इमाम के ऊपर। ढचुपचु ईमान वाले आदमी के लिए सुबह की इबादत कोई काम की नहीं, पक्का यकीन। और हमारे आमाल की प्योरिटी, नेक आमाल, अच्छे आमाल, वो आमाल के जिसमें बदी गुनाह नहीं है, सब अवगुण तजो, तुम्हारी जितनी भी बदियां बुराइयां हैं वो सब छोड़ दो, सब अवगुण तजो त्रवेणी नहावो। मैंने एक बार में इधर ही जिक्र किया कि जब के पास्ट जो हो गया और अभी इस वक्त प्रेजेंट है, ये दो मिलके फ्यूचर बनाते हैं। एक नहर इधर से आई, एक नहर इधर से आई, ये जहां दोनों मिल गई तो एक तीसरी नहर शुरू हुई। ये तीनों के मिलने की जगह को त्रिवेणी कहते हैं और ये त्रिवेणी यहां है। हमने जो कुछ भी आमाल किए हैं और अब कर रहे हैं, ये दोनों मिलके हमारा फ्यूचर बनाएंगे। तो त्रिवेणी नहावो का मतलब पीर का कहना यह है कि इस जिंदगी के अंदर जो तुमने कुछ किया है उसको ठीक करो, अब अच्छे अमाल करो तो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा। सब अवगुण तजो त्रिवेणी नहावो अने अनहद नाद बजावो, खुदा को बहुत याद करो। अल्लाह ताला कुरान में कहता है जिक्र अल्लाह कसीरा, यानी खुदा का जिक्र करो, बहुत करो, कसीर। जिक्र अल्लाह कसीरा बुकरतम व असीला, सुबह भी शाम को भी अनहद नाद बजाओ। और फिर कहते हैं कि दुनिया में इस तरह रहो कि जैसे तुम मर चुके हो। मूतू कबला तमूतू, मर जाओ तुम्हारी मौत आने से पहले। खुदा खुदकुशी की बात नहीं कर रहा, खुदा यह कह रहा है कि जिस तरह एक मुर्दा जिंदगी के अंदर जिस तरह से वो रहता था, दुनिया में दिल पड़ा हुआ था, तो मौत के बाद दुनिया टूट गई, उससे हट गई। इस तरह से इबादत में जब बैठो तो दुनिया खत्म हो जानी चाहिए, दुनिया का ताल्लुक टूट जाना चाहिए। ये हमारा जो मजहब है, आसान भी है मुश्किल भी है। ईमान अगर पक्का और सलामत है, ईमान अगर ठीक है, तो हमारे लिए बैतुल ख्याल की इबादत आसान है। मैं अपनी वाजों में जमातों को अर्ज करता रहता हूं, ए मोमिनो, सुबह की एक घंटे की बंदगी को 23 घंटे संभाल के रखो, 23 आवर्स उसकी हिफाजत करो। 23 आवर्स की हिफाजत का मतलब क्या है? सुबह हमने इबादत की और दिन भर हम बदियां बुराइयां करते रहे, गुनाह करते रहे, तो ये बीज तो कभी भी फलेगा नहीं। बीज डाल के हम उसको पानी देवें, हिफाजत करें, लेकिन हर रोज उसको कुरेद के देखते रहें, वो तो सड़ जाएगा। हमारे आमाल सबसे बड़ी जरूरत की चीज है। झूठ बोलना, बदनजरी करना, गिबत करना, किसी का माल खाना, जुल्म करना, हम सबको मालूम है कि बदियां क्या है, फिर भी हम जानबूझ के भी बदियां करते हैं। सुबह की इबादत में कुछ नहीं मिलेगा। हमारे आमाल अच्छे होने चाहिए, हमको हर रोज इबादत करनी चाहिए। अलबत्ता हजर इमाम ने, मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने हमें इजाजत दी है कि तुम कभी जमात खाना दूर है, रोज नहीं जा सकते, तो घर पे भी इबादत करो, मगर जमात खाने सोमवार की सुबह को और शुक्रवार की जुमे की सुबह को दो दिन मजलिस में जरूर आओ। और इसमें जो तस्बीहें निकलती हैं वो हमारे लिए खुदा ताला की तरफ से ब्लेसिंग है, उसमें बरकत है।
मगर दिनदारो आप ऐसी आदत बनाओ उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अभी तक जमात के अंदर यानी रोज आने के बावजूद भी कुछ नहीं पाया, तो एक पुराने मिशनरी के तौर पे मैं आपको अर्ज करता हूं कि नए सिरे से शुरू करो। नए सिरे से शुरू करना क्या है, आप तय करो कि मैं एक या दो बरस तक नाइट लाइफ नहीं करूंगा, रात की जो जिंदगी है, रात की जो मसरूफियात हैं, मैं वो नहीं करूंगा। इबादत करनी है तो मैं आपको आज मैं कोर्स बता रहा हूं, वो ये है। सबसे पहले मैं शाम को स्टार्ट करता हूं, रात का खाना शाम को जमात खाने आने से पहले खा लो। 6 बजे, अगर 7:30 बजे दुआ का टाइम है तो 6:30 बजे खा लो, खा के जमात खाने आओ, और फिर जब जमात खाने से घर जाओ तो एक गिलास दूध का, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की खुराक दूध है, एक गिलास दूध का गर्म करो, पहले बॉयल करो और उसमें आधी चमची जितना शहद डालो, हनी डालो, एक दो कुकी बिस्किट खा सकते हो, थोड़ी सी 2-4 चमचे जितनी खिचड़ी खा सकते हो, यानी इतना लाइट खाना कि जो 2 घंटे में हजम हो जाए। फिर आप तस्बीह निकालो, कुछ आपको पढ़ना है पढ़ सको, लेकिन 9:30-10 बजे सो जाओ। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, क्या कहूं, ये वो चीजें हैं कि जो एक्सपीरियंस की हुई चीजें हैं और जरूरी इसमें फायदे हैं। 9:30-10 बजे सो जाओ, सुबह 3:30 बजे उठो। अगर आप 10 बजे सोए होगे तो आपको 5.5 घंटे की नींद मिलेगी, आपका जो दिमाग और बदन है अच्छी तरह से रिलैक्स हो चुका है। और ये जो नींद है दोपहर यानी रात के 12 बजे से पहले की नींद, वो 2 घंटे की नींद 12 बजे के बाद की 4 घंटे की नींद के बराबर है। मैं आपको एक्सपीरियंस की बातें कह रहा हूं और मौला के फजल करम से आपको इसमें कभी भी नुकसान नहीं होगा। 9:30-10 बजे सो जाओ, 3:30 बजे उठो, रफा हाजत से फारिग होके हर घर के अंदर आजकल माइक्रोवेव ओवन है, एक गिलास, ये बहुत बड़ा गिलास है लेकिन एक कप जितना पानी थोड़ा गर्म करो और वार्म वाटर पियो। सुबह के वक्त यानी इबादत से पहले कुछ खाना पीना अच्छा नहीं, इसलिए हमको हमारे इमाम ने सुबह चाय पीने की मना की है। वल्ला बिल्ला आपको ये गुलाम इमाम का, मैं जमात खाने में खड़ा हूं, मैंने कभी 4 बजे से पहले चाय नहीं पी, इमाम ने फरमान किया है। अगर हमने इमाम की बयत की और फिर हम उसकी बात ही ना सुने तो हमें क्या फायदे हो सकते हैं। चाय पी के बैठो तो पहली चीज आपने यह की कि नाफरमानी की, तो नाफरमानी की तो आपको किस तरह फायदा हो सकता है, गुरु को नाराज किया। पानी पियो, पानी पीने से एक ये भी बात है कि रात की नींद के अंदर जो इवेपोर हो चुका पानी हमारे सांस में से निकल गया, आपने उसको रिप्लेस किया है तो सर्कुलेशन ब्लड का जरा ठीक हो जाएगा। अगर आप घर पे बैठे हैं तो दिनदारों कुर्सी पे नहीं, जमीन पे कारपेट पे बैठो, दीवार का टेक मत लो या किसी सोफा का टेका नहीं लेना, बीच में सेंटर में बैठो, स्ट्रेट बैठो, सीधे बैठो, बल्कि ऊंचे होके बैठो ताकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है स्ट्रेट हो जाए। और जैसे मैंने अर्ज की है आपको कि जो आसान से आसान तरीका है आपका बैठ सकते हो, लेकिन मैं आपको वार्निंग देता हूं, खबरदार करता हूं, बहुत दफा आदमी सिवा के बीमार हुए, हम लंबे पांव करके टेक लगा के बैठते हैं इबादत में, ये तरीका कभी पूरा नहीं हो सकेगा। मैंने अभी समझाया है इथरिक कैनाल्स की बाबत में, तो हम जब पांव लंबे करके करते हैं
तो इथरिक कैनाल यहां आके बंद हो जाती है हमारे हिप्स के पास, और खास तौर पे रीढ़ की हड्डी के नजदीक जो इथरिक कैनाल जाती हैं वो स्टॉप हो जाती है, हमको नींद आ जाएगी। इसलिए आसन करके बैठो, ये बैठक का तरीका क्रॉस लेग्स है, ऊपर नीचे लेग करके बैठे हो बेहतरीन है। और अपने हाथ आप अपने सामने रखो और हाथ एक दूसरे के ऊपर पड़ा हो गए। बाज ऐसे आसन है कि हाथ अलग होने चाहिए, लेकिन यहां मैं नहीं कहता, सजेस्ट नहीं करता हाथ ऊपर या नीचे है, आप इस तरह से भी हाथ रख सकते हो। ये दोनों हाथ मिलाने की मकसद क्या है कि सर्किट कंप्लीट हो गए। ध्यान लगाने के लिए ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आएंगी। तो आप बैठक करो सुबह, अपने घर में करो, जमात खाने आओ, लेकिन जमात खाने दो दिन जरूर आओ। और अगर अल्लाह मेरे आप जमात खाने आ सकते हैं तो वल्ला बिल्ला इसमें आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इस जमात खाने के अंदर इमाम का नूर मौजूद है, फरिश्ते आते हैं, रूहें आती हैं, और वो हमको इबादत में बैठने के लिए दुआएं देती हैं, बरकत देती हैं। फिर भी अगर कभी आपको घर पे बैठना है, बैठो। तो मैं आपको कह रहा था कि रात को 9:30-10 बजे सो जाओ, 3:30 बजे उठो, थोड़ा सा पानी पियो, इबादत करो। फिर इबादत में लाजिम नहीं कि 5 ही बजे तक बैठो, जमात खाने के अंदर हुक्म है 4 से 5, क्योंकि जमात खाने में और भी काम है, लेकिन आप घर में कभी आपको मजा आ रहा है 5:15 तक बैठो, 5:30 हो जावे कोई हरकत नहीं, 6 बज जावे कोई वक्त नहीं, क्योंकि उधर इमाम ने हमें इजाजत दी है। और ऐसा है, होता है बहुत दफा कि 5 बज गए हमें पता भी नहीं लगा, 1.5 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे हो गए बैठे रहो। और कभी आपको 5:30 बजे जिस तरह से आप बैठते हैं उसकी जगह किसी दिन थके हुए हैं 4:30 बजे आंख खुल गई, तो चलो कोई बात नहीं, 4:30 बजे आंख खुल गई, जरा ऊंचे नीचे होके फिर इबादत में बैठ जाओ। लेकिन जब इबादत सही तरीके पे आएगी तो आपको वक्त का पता भी नहीं लगेगा कि कितना टाइम निकल गया। दुआ पढ़ो, इसके बाद थोड़ी सी तस्बीहें निकालो। ये तस्बीहें सुबह इबादत के बाद जरूरी हैं। और वो तस्बीहों में एक तो पहली चीज शुक्राने की तस्बीह करो कि या मौला तूने रहम करके मुझे अपना नाम जपने की तौफीक अता की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह की निकालो, उसकी तारीफ करो। इसके बाद फिर आपकी खुशी है जो कुछ भी मांगना है। और इसके बाद कभी आपको नींद आती तो सो जाओ, बल्कि सुबह इबादत के बाद दुआ के बाद तकरीबन 6:30-6 बजे वो जो नींद आपको मिलेगी, बहुत अच्छी नींद मिलेगी, बहुत अच्छी नींद मिलेगी। और इस नींद में कभी कभी आपको बिशारत होगी, आपको ख्वाब आएंगे, सपने आएंगे, इन ख्वाबों में कोई ना कोई मैसेज है, वो समझने की कोशिश करो। सारा दिन अपने मौला के नाम में चलते रहो, अच्छे अमल करो, अच्छा खाना खाओ, ऐसा खाना खाओ कि जिस खाने से तबीयत ठीक रहे। ये बदन खुदा ताला की नियामत है, इसके अंदर खुदा ने अपना नूर रखा है, इल्म रखा है। अगर हमारा बदन बीमार है तो इबादत नहीं हो सकती। अपने बदन की तंदुरुस्ती का, सेहत का बहुत ख्याल रखो। जहां तक बन सके गोश्त न खाओ। गुरपीर हसन कबीर दीन बाबा 111 बरस की जिंदगी जिए, लेकिन सारी जिंदगी पीर हसन कबीर दीन ने गोश्त नहीं खाया। 111 ईयर्स की एज हुई, आपने गोश्त नहीं खाया। और फिर असल कबीर दिन ने ऐसी इबादत की, हमें बहुत सी बातें कही, फ्रूट खाओ, दूध पियो, और वो डाइट के जो हमें इबादत में काम आवे वो डाइट करो। ये सोडा है और ऐसी मर्च मसालेदार चीजें हैं, ऐसी चीजें कि जो हमें गर्म कर दे रहे, टॉक्सिक मैटर है, ये चीजें हमें रात को नुकसान करती हैं। इबादत करने के लिए हमें खाने पीने की और बाद आदतों की हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी जाके हमें इबादत में से फायदा मिलेगा। तो दिन को सच्चे नेक अमल करो। दोपहर के वक्त इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार की एक हिदायत है कि तुम दोपहर को कुछ तस्बीह निकाला करो। इसी तरह से रात के 12 बजे अगर जाग खुल जाए या कर सकते हो तो
اس وقت بھی تسبیح نکالا کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یوں فرمایا ہے کہ دوپہر کے وقت سبحان اللہ کی تسبیح کرو اور شام کے وقت اس کی صفت کرو الحمدللہ کی تسبیح کرو. عابد آدمی اس میں غصہ نہیں ہوتا, ٹالرنس صبر تحمل بڑھ جاتا ہے, آہستہ 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 اس پہ خدا نور پیدا کرتا ہے. سب اوگن تجو, تمام بدیاں برائیاں چھوڑ دو اور جہاں تک بن سکے لوگوں سے تھوڑا ملو, دور رہو. لوگوں کے ملنے سے ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, نندا کرتے ہیں, سٹھا مذاق کرتے ہیں اور ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے جو عابد لوگ ہوتے ہیں گھر چھوڑ کے جنگلوں میں اور اس جگہ چلے جاتے ہیں جہاں انہیں کوئی نہیں بلاتا, یہ جو ایکانت ہے, یہ جو بالکل یعنی خانہ نشینی ہے, یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے. لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. اگر 3 برس آپ ایسا کر سکتے ہو تو مولا آپ کو دل و دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ عطا کرے گا. سکھی آباد رہو. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے, ایمان کی سلامتی دے وے, نیک توفیق دے وے, عبادت کا شوق دے وے, صحیح طریقے پہ چلنے کی توفیق دے وے, اپنی نعمتیں دے وے, اپنی برکتیں دے وے, علم زیادہ کرے, عشق زیادہ کرے, اپنی نزدیکی دے وے. مولا آپ کی ہر عبادت کی اور مذہب کی نیک امیدیں پوری کر کے مولا نے حضر امام آپ کو اپنے نور کی بخشش دے رہے. شکریہ بادشاہ.